अवाम तकलीफ में है, किसी को फिक्र नहीं, फिर वन यूनिट की साजिश की जा रही है। कालम गलोच की सियासत से हम जाती दुश्मनी तक पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का नोडेरों में कारकुनान से खिताब, कहा आज जैसा मुआशी बहरान पहले कभी नहीं देखा था। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। अवाम इंतखाबात में नफरत की सियासत को दफन कर देंगे। माजी में दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने की दावत दी गई। काबुल में चाय पीते वक्त अंदाजा ही नहीं था कि इसके क्या नतीजे होंगे। मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम तेजी पकड़ गई। मरियम नवाज का लाहौर में अपने सूबाई हलके इंतखाब PP 159 का दौरा। गर्जुमता में शानदार इस्तकबाल। हलके में 20 मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। रहनुमाओं ने इस्तकबालिया कैंप लगा दिए। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। जलसे के लिए इंतजामात, स्टेज और कुर्सियाँ लगा दी गईं। आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी दो महाजों पर सरगर्म। बिलावल भुट्टो का सिंध पर फोकस। बैक टू बैक जलसे, राबते जारी। आसिफा भुट्टो मलीर में खिताब करेंगी। आसिफ सरदारी के लाहौर में डेरे। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, मुकेश चावला समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं को तलब कर लिया। 21 जनवरी को लाहौर में पावर शो की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल के हल्के NA 127 की मुहिम का भी जायजा लिया जाएगा। मरकजी की आदत का फुकदान। ग्रुपिंग अरूज पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ मजीद इंतशार का शिकार। NA 32 पिशावर की सीट पर PTI के 9 उम्मीदवार आमने सामने। पार्टी की आसिफ खान के उम्मीदवार होने की तस्दीक। शेर अफ्तुल मरवत समेत 8 को दस्तबरदार होने का कह दिया। शेर अफ्तुल मरवत क्यादत पर बरस पड़े। सदर आरिफ अलवी के बेटे को टिकट जारी करने की मुखालफत। राउफ हसन पर बानी PTI के मुखालिफ। सहाफियों को टिकट दिलवाने का इल्ज़ाम। कहा राउफ हसन अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। JUI शेरानी ग्रुप से इत्तेहाद भी खत्म कराया। अदलिया पर एतबार नहीं करते, रिलीफ भी मांगते हैं, बाहर जाकर इल्जामात भी लगाते हैं। चीफ जस्टिस की PTI के वकील की सरजनिश। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकालमा किया, जल्द समात की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। पानी PTI की कागजाती नामजदगी मुस्तरद या मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पानी PTI ने दो हल्कों में कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा एक मुलजिम सजा के बाद आए और इलेक्शन लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। आइन की मंशा है कि आवाम के नुमाइंदे के लिए सख्त असूल हों। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात बदलने पर पाबंदी लगा दी। DROs और ROs को वाजे हिदायतनामा जारी। साफ कह दिया बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। इंतखाबी निशानात तब्दील ना किए जाएं, तब्दीली लाजमी हो तो पेश की इजाज़त ली जाए। PTI से बल्ला हमने नहीं छीना, अदालत का फैसला है। आप हमें गालियां निकालें तो हम आगे से कुछ ना करें। तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुकालमा। PTI वकील का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का वावेला। समात इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा रहीम जा खान में 150 लोगों पर पर्चे काट दिए गए। मेंबर ECP बोले तो आप इंतखाबी अमले पर हमले क्यों करते हैं, जेल में जो हुआ उस पर खामोश रहे। मजीद समात 24 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर जज का इजहार बरहमी। बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। बानी PTI की 6 दरख्वास्तों पर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। वकील को 30 जनवरी को बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर लाजमी दलाल देने की हिदायत। पानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर। चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बना दिया गया। मौकिफ अख्तियार किया कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है, कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के जेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से रवां हफ्ते $2 अरब का कर्ज।
रोल ओवर किए जाने का इम्कान। कर्ज एक साल के लिए मौखर किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी। कर्ज रोल ओवर करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुतहदा अरब अमारात को खत लिखा था। 2 अरब डॉलर का कर्ज 23 जनवरी तक मैच्योर हो रहा था। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज के समरात आवाम को मिलने लगे। पेट्रोल मजीद 8 रुपये सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 269 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे पर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपये 97 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 92 पैसे सस्ता। आवाम का मिला जुला रद्द अमल। महंगाई में कमी के लिए मजीद इकदाम का मुतालबा। ये अच्छा इकदाम है कि 8 रुपये कमी के साथ जो है गरीब आदमी को रिलीफ मिला है। पहले से काफ़ी 2-2.5 महीने में काफ़ी पेट्रोल सस्ता हो गया है। अच्छा जो है एग्ज़ाम है, बेहतर जो है लग रहा है। अभी ऐसा ऐसा हुकूमत कोई बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेप्रा हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। दरख्वास्त की मंजूरी से बिजली सार्फीन पर 49 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। फैसलाबाद और मालाकंड के रिहायशी नौजवान जद्दा से कराची पहुंचे थे। मुमकिन अलामात पर टेस्ट किया गया। अब तक बैरून मुल्क से आने वाले 17 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हो चुकी। JN1 वेरिएंट के 7 मुस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क, 5 मुकामी। कराची में गुलिस्तान जौहर हबीब यूनिवर्सिटी के करीब खुले मैन होल में 2 अफराद डूब कर हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकरूप थे। एक को बचाने के लिए दूसरा गटर में उतरा, कोई जानबर ना हो सका। रेस्क्यू अहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। गजा खंडर बन गया, लाशों के अंबार लग गए, मगर इसराइली जारहियत कम ना हो सकी। सिवनी फौजियों की अस्पतालों, स्कूल और घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयों में 5 अफराद शहीद, 5 जख्मी। इराकी शहर अरबेल में 2 मकामात पर ईरानी पासदारान इनकलाब के मिज़ाइल हमले। दाइश कमांडर समेत कई दहशतगर्द हलाक। कुर्दिस्तान में इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी बैलिस्टिक मिज़ाइल से निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक अरबेल में हलाक दहशतगर्द कुर्दमान में हमले में मुलव्वस था। मोसाद के दफ्तर से हमलों की साजिश तैयार की जाती थी। अमरीका का 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। अनफिट अब्बास अफरीदी के अलावा उसामा मीर और आमिर जमाल भी टीम से बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान एक्शन में होंगे। तीसरा T20 कल डनेडन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। पैट कमिंस ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बेहतरीन खिलाड़ी के लिए पैट कमिंस को बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स से मुकाबला था। सिंधी उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। बेटे अकबर के मुताबिक 70 साल मीर मोहम्मद लाखू दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुबतला थे। 2 रोज कबल तबीयत ज्यादा नासाज हुई। आबाई गांव में तदफीन कर दी गई। रोबोट और वो भी मसनूई जहानत का हामिल। टेस्ला की ईजाद ऑप्टिमस रोबोट ने मेज पर रखी शर्ट को ठीक ठीक तह करके तहलका मचा दिया। एलन मस्क ने एक्स पर वीडियो शेयर की। ऑप्टिमस की सलाहियत की धूम मच गई। अमेरिकी फजाया की ऑफिसर ने मिस अमेरिका का ताज जीत लिया। हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट मेडिसन मार्श ये एजाज हासिल करने वाली पहली ऑफिसर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।